हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो आज हम लेके आए एक नई वीडियो जिसका नाम है कुकिंग वीडियो। सो बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भेजा था कि आप कोई कुकिंग वीडियो भी कीजिए। सो बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद हम लेके आए हैं कुकिंग वीडियो और हम आज बनाने वाले हैं गार्लिक मशरूम, जो कि हमारे घर में सब लोग बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट मिशू भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत सारे लोग गार्लिक मशरूम बनाते हैं, बट हमारा वर्जन क्या है, हम कैसे बनाते हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। आप प्लीज ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली मेंबर्स को खिलाइएगा और हमें बताइएगा कैसी लगी। ओके गाइस, तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहले हम क्या करेंगे, हम मशरूम लेंगे। ये 2 पैकेट मशरूम है, ठीक है, मीडियम साइज कर लिए इसको। मीडियम सा, बहुत बड़ा नहीं और बहुत छोटा नहीं है। और अगर आप इसको एज अ स्टार्टर्स बना रहे हैं तो आप इसको छोटे मशरूम्स ले सकते हैं और उसको ऐसे ही बोल में रख सकते हैं, बिना काटे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक साइड पे पानी बॉईल कर दिया है, रखती है पानी बॉईल करने के लिए रखती है, ठीक है। तो हम पहले मशरूम को बॉईल करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो मशरूम जो थोड़े कुक हो जाएंगे और उसमें से जो एक गंदी स्मेल आती है वो भी निकल जाएगी। बिल्कुल सही, मेरे को बहुत बुरी लगती है। अब हम गार्लिक चॉप कर रहे हैं, तो हमें गार्लिक चॉप करना है, ग्राइंड नहीं करना है। हम गार्लिक को या तो दरदरा पीस सकते हैं जैसे हम हाथ से करते हैं, या फिर आप इसको चॉप कीजिए। सबसे बेस्ट है कि इसको ऐसे से पतला पतला जो है चॉप कर लीजिए, ठीक है। और हम 2 पैकेट्स मशरूम बना रहे हैं। जब हम 2 पैकेट बनाते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 40 क्लॉव्स चाहिए, ऐसे साइज के हों 40 क्लॉव्स। तो गार्लिक को हम लहसुन भी बोलते हैं, तो कुछ लोगों को नहीं पता हो तो उनके लिए। इसमें हम ये चॉप किया हुआ अनियन यूज करेंगे, चॉप गार्लिक, चिली फ्लेक्स और अमूल बटर, देसी घी, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, ठीक है। ब्लैक पेपर हमें पिसी हुई चाहिए बिल्कुल, तो उससे हमारा जो है ये सारा जो डिश है बड़ी सिंपल है, बड़ी कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है। देखिए हमारे मशरूम जो है वो बॉयल हो रहे हैं अच्छे से, तो अच्छे से इसको बॉयल कर लेना है। उसके बाद उसको ठंडे पानी से अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लेना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे एक कढ़ाई। कोशिश कीजिए कि आप एक फ्लैट बर्तन लीजिए, फ्लैट कढ़ाई लीजिए, जिससे कि जो आपको ये सरफेस जो है, पहले हम डालेंगे इसमें बटर। ये अमूल बटर है, देख लो, तो अच्छे से देख लो कितना डालना है। बटर इसमें काफी डलता है क्योंकि बटर में ही बनेगा। सो आप इसको हाफ करके उसमें से थोड़ा सा ज्यादा, हाफ से हाफ का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इतना बचाइए जब हम गार्लिक को डालेंगे तब यूज करेंगे। और इसमें आप डालेंगे देसी घी, इसमें छोटा 1 टीस्पून जो जिसे हम बोलते हैं वो एक डालेंगे देसी घी, ताकि ये बटर जले ना, ये जल जाता जल्दी। और जैसे ये हो गया, इसमें हम डालेंगे चॉप अनियन। ये हमने चॉप किया है अनियन, एक अनियन मीडियम साइज का हमने चॉप किया है। फाइन चॉप करना है इसको, बिल्कुल फाइन चॉप। और हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, इसको जब ये लाइट पिंक शेड का हो जाएगा, जस्ट इसका हल्का सा कच्चापन निकालना है, तो उतना ही कुक करना है। इसको ज़्यादा कुछ ब्राउन नहीं करना है, जैसे हम और सब्जियों में करो। जो मशरूम थे उसको हमने अच्छे से बॉइल करके उसको 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, तो उसके बाद ये ऐसे दिखेंगे कुछ, ठीक है। मिशू भाई क्या बना रहे हो? मिशू बिरयानी बना रही है, सोना भाभी बना रही है। पूछो क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ गार्लिक मशरूम। गार्लिक मशरूम जानू, ये खा के देखो कैसे बने हैं। नहीं उसको पता अभी बने नहीं है। ऐसे ये लाइट पिंक कलर के हो जाने चाहिए, देखिए इसको ज्यादा कुक नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो अपने बॉइल्ड मशरूम है, उसे अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा, पानी ना हो, क्योंकि मशरूम भी कुक होते टाइम पानी छोड़ते हैं। और हम इसे चलाते रहना है ताकि मशरूम जो है वो जल ना जाए। चलाते रहना, इसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे। अगर इसमें से पानी निकलेगा तो पानी हमें वो सूखने देना है, तब तक इसको पकाना है, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, ये थोड़े थोड़े से
गोल्डन शेड में आ जाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, कुक हो जाएंगे। हम इसमें हल्का सा सॉल्ट डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि बटर में भी सॉल्ट होता है, तो बाद में हम इसको टेस्ट करके फिर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट, ताकि जो ये मशरूम है अपना पानी छोड़ दे, अगर उसमें पानी है अभी भी, और अच्छे से कुक हो जाए। गाइस इसको बनाते हुए हमें हो गए हैं 10 मिनट। 10 मिनट हमें इसे अच्छे से भून लेना है। अब हमें क्या करना है, इसको एक तो सेम गैस पे करना है, उसके बाद इसमें हमने होल बनाना है एक, ठीक है। अगर तो आपके पास फ्लैट पैन नहीं है, फ्लैट कढ़ाई नहीं है, तो आप डीप कढ़ाई में बना रहे हैं, तो आप ये सब तड़का पैन में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने साइड पे कर लेना है, और हमें इसमें जो वो हाफ से हमने जो बचाया था, ये जो इतना बटर था, इसको हमने अब यूज करना है। तो ये भी मेल्ट हमें जरूरी नहीं करने की, तो मेल्ट होने से पहले पहले इसमें हमने गार्लिक डाल देना, और गार्लिक भी हमें ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इसका एक जो अच्छी सी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है ना, थोड़ी कच्चापन उतरते ही, तब तक हमें इसे पकाना है, और सिम पे ही पकाएंगे, ठीक है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, अगर हम इसको ब्राउन करेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसको चलाते रहना है। जैसे कि जो एक गार्लिक की फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छे से आना शुरू हो गई, 2-3 मिनट्स हो गए हैं, तो हम फ्लेम थोड़ी हाई कर देंगे। फ्लेम हाई करने से क्या होगा कि अगर थोड़ा सा कुछ है तो हम इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे, अब धीरे धीरे इसको हम मिक्स करना शुरू कर देंगे इसके साथ। जब ये मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें क्या डालेंगे, ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्च, काली मिर्च हम इसमें डालेंगे, और कोई भी मसाला नहीं यूज करेंगे, और एक हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट छोटा हाफ टीस्पून है, अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा आप स्पाइसी खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं इसको। कोई ज्यादा खाना पसंद करते हैं, कोई कम खाना पसंद करते हैं। ब्लैक पेपर डालते ही ना आप इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद इसको सिम गैस पे कर दीजिए, फिर से सिम गैस पे करने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध। ये एक टिप है, वैसे तो इसमें आप मलाई डालिए, घर की फ्रेश मलाई या क्रीम डालिए, 2-3 स्पून डालेंगे, जो टेबलस्पून होते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। बट हम थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट कॉन्शियस है, तो हम इसमें उसकी जगह दूध डाल रहे हैं, जिससे ऑलमोस्ट सेम फ्लेवर आता है, सेम टेस्ट आता है, और आपकी हेल्थ कॉन्शियस वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हाफ हाफ करके, और इसको अच्छे से मिक्स करें, थोड़ी सी फ्लेम हाई कर दीजिए, मीडियम फ्लेम पे करेंगे इसको, ना लो पे रखेंगे ना हाई पे, मीडियम से फ्लेम पे। अब ये देखो जब ये मिक्स हो गया, थोड़ा थिक होना शुरू हो गया, तो बाकी दूध देते हैं हम डाल देंगे। ये थोड़ी ऐसी वेजिटेबल है जो थोड़ी जूसी बनेगी, ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ, चपाती के साथ, लच्छा पराठा के साथ, मेरे को तो ये लच्छा पराठा के साथ खानी बहुत पसंद है, और मिशू से सैंडविच भी बनवा के खाते हैं कभी कभी। अगर आप इसको एक सैंडविच लें तो उसमें अगर आप इसको एक लेयर डाल दें, उसके ऊपर आप लेटस डाल दें, तो उसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है, मोज़रेला चीज़ नहीं, शेडर चीज़ डालेंगे, या फिर जो हम अमूल की चीज़ आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम कम कर देंगे जब ये थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया, बस में डालेंगे एक और लास्ट एंड फाइनल इंग्रेडिएंट, जिसका है नाम है चिली फ्लेक्स। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिए, जैसा आपको अच्छा लगता है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो ज़्यादा डालिए, कम अच्छा लगता है तो कम, क्योंकि इसमें ग्रीन चिली नहीं डलती है, रेड चिली दूसरी नहीं डलती है, इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर। हाँ, इसके बाद इसका सॉल्ट जरूर चेक कर लीजिए, अगर सॉल्ट की नीड है तो आप इसको टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, कि बटर में भी सॉल्ट था, इसमें भी हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, तो हम इसके टेस्टिंग करेंगे। सॉल्ट बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ, आप इसमें मलाई डाल सकते हैं, घर की फ्रेश मलाई होनी चाहिए, और क्रीम डाल सकते हैं, और चीज़ डाल सकते हैं, इसको और इन्हेंस कर दे, थोड़ा सा दूध और डाल दूँ,
थोड़ा सा मुझे लग रहा था वो डालना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद है। बहुत पतला मत रखिएगा इसको, एकदम ग्रेवी जैसा, बिल्कुल थिक थिक ग्रेवी, जैसे हमारा व्हाइट सॉस पास्ता होता है ना, मंचूरियन वगैरह होता है ना, उसकी ग्रेवी जैसी होती है, उसको इसकी ग्रेवी वैसे रखते हैं। देखिए हमारे गार्लिक मशरूम जो है रेडी हो चुके हैं, हमने गैस को कर दिया बंद, थोड़े ऐसे ही होने चाहिए, ये देख लो गाइस, थिक भी नहीं है और ज्यादा पतले भी नहीं है। अब आप इसको किसके साथ भी मर्जी खा सकते हैं, आप लच्छा पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ब्रेड में डाल के इसको सैंडविच बना के खाएं, जैसे इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो हमारे मशरूम बनके रेडी हो चुके हैं, और आप भी बनाइए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को खिलाइए, और ये बहुत डिलीशियस बनते हैं और इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं जब खाते हैं। तो आप भी हमें बना के बताइएगा कि ये कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में, और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहेंगे हमें प्लीज़ बताइए कुकिंग में। तो प्लीज़ गाइस डू कमेंट, हमें सजेशन में बताइए, सोच रहे हैं या फिर हम चिकन सोच रहे हैं, और आप कमेंट करके बताइए हम पहले कौन सी वीडियो बनाएं, ठीक है जी। तो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, लव।